नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने डिस्कवर आशीष चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं बाबा बड़ेश्वर मंदिर पर और देख रहे हैं ये बाबा बड़ेश्वर का मंदिर का ये तालाब है। और आप देख रहे हैं तालाब को कितना गंदगी यहाँ पे मचा के रख दिया गया है। देख रहे हैं इसमें प्लास्टिक और कूड़े कतवार, और यहाँ पे देख रहे हैं जगह जगह आपको गंदगी ही गंदगी देखने को मिल रहा है। साफ सफाई पर यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बाबा बड़ेश्वर का मंदिर है, जो गोपीगंज का सुप्रसिद्ध मंदिर है, आप देख रहे हैं यहाँ का तालाब कितना गंदा हो गया है। और अगल बगल भी आप देख रहे हैं साफ़ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, जगह जगह आपको कूड़े कतवार देखने को मिल रहे हैं। लोग आते हैं, बैठते हैं और यहाँ पे गंदगी फैला के चले जाते हैं। आप देख रहे हैं हर जगह आपको गंदगी गंदगी देखने को मिल रहा है। और मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आपके जो धार्मिक स्थल हैं, कृपया आप उनको संरक्षित रखें। कृपया आप सब जब यहाँ आते हैं तो कूड़े कतवार न करें, और तालाब जो होते हैं, जो कुंड होते हैं, उनकी साफ़ सफाई रखें। ये हमारा ही आपकी जिम्मेदारी है कि हम और आप जितना सुरक्षित अपने धर्म स्थलों को रखेंगे, उतना ही संरक्षण होगा और उतना ही खूबसूरती हमें और आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा आप लोग से सिर्फ यही अनुरोध है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कहीं भी जाएं, कहीं भी स्थल पर जाएं, कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाएं, कृपया वहाँ पर गंदगी न फैलाएं। जो भी आपके खाने के सामान हो, जो भी प्लास्टिक हो, जो भी कूड़ेदान में ले जाके सीधे आप डाल दें, डस्टबिन में डाल दें या पन्नी में रख लें, डस्टबिन ना हो तो उसको ले जाके कहीं बाहर फेंक दें, लेकिन अपने धार्मिक स्थलों पर कृपया ऐसी चीज़ें गंदगी न फैलाएं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और ये जो मेरा मुहिम है, कृपया आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट करिए। मैं ऐसी जगहों पर जाऊंगा जो हमारे स्थल हैं, जहाँ पे गंदगी वगैरह है, मैं उनको एक्सपोज करूँगा, उनको आप लोग तक पहुँचाऊँगा और दिखाऊँगा। तो जो नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ की जानकारी आप सबको मिलती रहे। और मिलते हैं आप सबसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।